गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 5th of February 2023। आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड ओम साई राम। भगवान आप पे और मुझ पे कृपा बरसाए रखे अपना, है ना। और ये देखो, हु इज शी, कौन है। इसे सुबह सुबह सब मेरे साथ आके सोना होता है, और बट छोटा भाई क्योंकि घर पे नहीं है, सो आज मैं उसको लाई हूँ थोड़ी देर, मतलब एक दो घंटा से सोई रहेगी, उसके बाद उसको पॉटी करा के ऊपर लेकर जाऊँगी। तो ये मेरा कोलू का रूटीन है। सो भैया, अच्छा वो हाथ दिखाती है मुझे, तो क्यों मैं आँख ऐसा बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल बहुत लेट सोई। मतलब आपको याद होगा कि हम भातुबस्ती में गए थे एक जन का घर, मतलब हम मेरे गांव में नानी मत मामा के घर के पास में उनका घर है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे ना। एक नाना जी थे, मैंने दिखाया था, बीमार है, उनका देहांत हो गया कल, तो उनका न्यूज़ आया 1 बजे, ठीक है। तो वही जो होता है न्यूज़ सुनने के बाद, मतलब आई नो दिस इज़ नेचुरल एंड वी शुड एक्सेप्ट डेथ, एंड मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं डेथ को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। बट मतलब कहीं ना कहीं इंसान भी तो होना बुरा लगता है, सो वही हुआ है। एंड उसके बाद नींद नहीं आ रहा था, कोला भी भौंक रही थी बहुत ज़्यादा, 1:30 बजे तक मैं सोई। तो मम्मी गई है अभी उनके वहाँ पे, मैं नहीं गई बिकॉज नानी का भी तबीयत ना ठीक नहीं है, तो मैं हूँ यहाँ पे, मम्मी गई है। और एक्चुअली मम्मी इसलिए गई है क्योंकि मासी ने कॉल किया था, मतलब वो जो उनकी बेटी है उनको मैं मासी बुलाती हूँ, उन्होंने कॉल किया था, रो रही थी। मतलब मम्मी को ना वो दीदी दीदी बोलते हैं, मम्मी के साथ बचपन से वो थी, तो शी वॉज लाइक पापा का देहांत हो गया है, ये वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको, एंड शी वॉज कॉलिंग मॉम फॉर सपोर्ट। सो आई थॉट कि माँ को जाना चाहिए, एंड एक्चुअली अभी बॉडी लेके हार्डवे जाएंगे, सो उसके पहले जी पेंथ हॉस्पिटल में बॉडी रखा हुआ है, तो अभी बड़ा भाई और मम्मी वहीं पे है। तो ये ही आप सुबह से है, और इसीलिए मैं ना आँख वाँख में खुल नहीं पा रही हूँ, बट काम भी करना है बिकॉज 7:30 बज गया ऑलरेडी मेरी नानी को, तबीयत उतना सही नहीं है। तो अभी नानी को जस्ट सूप दिया एक, एंड मैं 5 मिनट नैप लेने के बाद मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने। नाश्ता पे आज इडली डोसा बनाऊँगी, कुछ तो एक बैटर है उसी से, ठीक है। तो आप सभी को देखो सो गई 5 मिनट के बारे में, जब तो 5 मिनट अगर सो जाऊँगी तो शायद बहुत ज़्यादा सो जाऊँगी, तो सोच रही हूँ कि नहीं सोऊँगी, इसीलिए मैं बैठ सो कि यहाँ पर बैठी बैठे बैठे थोड़ा सो ले, ठीक है। तो चलो दिन का शुरुआत करते हैं ओम साई राम। और मुझे ये लगता है वो जो नाना जी थे वो, मतलब कहीं ना कहीं नानी के साथ उनको मिलवाना कहीं ना कहीं डेस्टिनी पे लिखा था उनका डेथ के पहले। देखो उस दिन अंकल को देखना, मतलब मिताली के पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ पे हम लोग जस्ट खाना देने गए, ठीक है, जाने भी नहीं वाले थे, जस्ट खाना देने वहाँ पे गए, खाना देने गए, निकल रहे थे तभी मासी ने मुझे बुलाया कि तुम बबली हो ना। एक्चुअली मामा के घर पर मुझे बबली बुलाते हैं, मतलब उस साइड पर मामा के घर पे, घर के आसपास सब जगह, वहाँ पे हर कोई मेरे नाम से किसी को पता भी नहीं, मुझे बबली बोलते हैं, तो मुझे बुला के बोले तुम बबली हो ना, मैंने कहा हाँ, तुम पहचानी नहीं। तो मैंने, मुझे ना फेस कटिंग थोड़ा याद था मासी का, तो मैंने कहा कि हाँ मासी हो ना, और ऐसी मैं उनसे मिली, देन एक्सचेंज हुआ नंबर, एंड देन आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैं बोली ना नानी को मुझे लेकर बाहर जाना ही है, एंड बाहर लेकर गई तो उनके घर में पहला लेकर गई, बिकॉज मुझे वो दिल से बोल रहा था, इंट्यूशन, एंड मेरा इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है थैंक गॉड। एंड मैं लेकर गई, और देखो लास्ट 13th of January को लेकर गई थी, और कल 4th of January को उनका देहांत हो गया, अप्रॉक्स 20 दिन के इसमें। सो कहीं ना कहीं नानी के साथ उनको मिलवाना ये मेरा कर्म था, मैंने किया, थैंक यू भगवान ऐसा मुझे इंट्यूशन देने के लिए। मुझे बहुत मन था, बहुत ज़्यादा, कि मुझे उनके घर में नानी को लेकर जाना ही है, तो मुझे लगा कि आई शुड टेल यू गाइस दिस। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये मगर, जहाँ जाऊँ मैं करूँ वहाँ,
तेरा ही जिक्र मुझे तो राजी लगती है। सो ये जा रहा है मेरा पहला इडली का सेट। जाओ अच्छे से पक के आना। ओके थैंक यू। सबका पेट भरना, सबको अच्छे से रखना, सबको अच्छे से रखना, खुशी लाना। चलो बाय बाय। तो इडली को मैंने इतना ब्लेसिंग डाल के भेजा था, क्या बोलते पतीले पे, लेकिन वो अच्छा नहीं बना। बिकॉज आज ना उसका मुझे ढक्कन नहीं मिला, मैंने दूसरा एक ढक्कन यूज़ किया शायद उसके कारण, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ मेरे ब्लेसिंग्स को लेके। इडली अच्छा नहीं बना तो क्या हो गया, डोसा अच्छा बना। तो चलो मैं पानी पी लेती हूँ पहले। हैप्पी माई बॉडी इज करी। अब मुझे स्किन केयर करना है, पानी पी लिया है। एंड यस, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा स्किन विदाउट फिल्टर कैसा दिखता है। ये मतलब ब्यूटी मोड है, फिल्टर नहीं, ब्यूटी मोड है। नॉर्मली मेरे फ़ोन पे ऑन रहता है, बट मुझे ना सच बोल रही हूँ 2023 पे ऐसे हिम्मत हो गया है कि विदाउट एनी ब्यूटी मोड अपना चेहरा दिखाने के लिए। देखो दिस इज़ माय स्किन, ये देखो। बस ब्यूटी मोड में क्या होता है ना, सबको ऐसा मतलब ये दिखाते एकदम। मेरा स्किन भी स्मूथ है, थोड़े बहुत दाग धब्बे है तो क्या होता है, मैं वो भी सही हो जाएंगे। अभी मैं मेरा स्किन केयर कितने अच्छे से कर रही हूँ, बट लुक एट माई स्किन। अब ये मैं नहीं बोल रही कि मेरे वेज खाने के लिए हुआ है, फिर नॉन वेज खाने के लिए हुआ है, ये एक्चुअली मेरा माइंड सेट के लिए हुआ है कि मेरा स्किन अच्छा है। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड आई ट्रूली ट्रूली लव माई सेल्फ। तो यही है। सो आई एम रियली 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 ब्लेस्ड विद द स्किन। एंड या मेरे जो बीच में पिम्पल्स हुए थे, आपको याद है, ये सारा जगह पिम्पल्स हो गया था, वो कच्चा हलद का इस्तेमाल से चले गया है। वो वीडियो ऑलरेडी चलेगी, आप चाहो तो देख सकते हो। आजकल का स्किन केयर बहुत सिंपल है, रोज़ वाटर छिड़को, सूखने दो। रोज़ वाटर सूख गया है एंड अभी मैं लगाऊंगी ये बी मिनिमलिस्टिक का सीरम। कौन सा सीरम है पता है? ये है विटामिन सी 10% सीरम। मुझे सीरम्स का उतना आइडिया नहीं था, मैंने देखा कि ये सेफ़ है फॉर माई काइंड ऑफ स्किन एंड मुझे अच्छा लगा। मैंने पहले मुझे थोड़ा सा पिम्पल्स हुआ था, बट उसके बाद सब सही हो गया। अब लगाऊंगी मैं मॉइस्चराइज़र। इतना दिन मैं बी मिनिमलिस्टिक का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी, बट वो ना ख़त्म हो गया है। सो आई एम यूजिंग दिस ममर राइस वाटर मॉइस्चराइज़र। दिस मॉइस्चराइज़र इज़ रियली वेरी गुड। लगाने के बाद मैं लगा दूंगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ हाइड्राजल इंडियन सनस्क्रीन और ये एलोवेरा एंड रेसबेरी का है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैव इवन सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स एंड उन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया, सो आई विल नॉट से दे आर लविंग इट। आई हैव जस्ट सजेस्टेड देम। ये है, लिप्स में यूज़ करूँगी। दिस इज़ माई कल्ट फेवरेट। ये है जस्ट्स कर्ड ऑरेंज एंड रोज लिप ऑर्गेनिक लिप केयर। ठीक है, लिप बम ये। इसका स्मेल ना एकदम प्योर ऑरेंज का है, बहुत अच्छा लगता है। चलो क्या लग गया है पता है, कोलगेट। चलो मैं जाती हूँ अभी डोसा बनाना है। तो मैं एक्चुअली बना रही हूँ डोसा, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बना लेती हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। आफ्टर मेजर फेल इन इडली, डोसा बना लिया एंड उसके साथ ये है टमाटर पीनट एंड प्याज का चटनी। यम्मी। सुन रही थी इस बीच साई आंटी आई है। देखो क्या लाई आंटी, दिखाओ आंटी। कल बोल आई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे चटनी है आप बनाई, अरे वाह, थैंक यू आंटी। आंटी का हाथ का इडली बहुत दिन बाद खाती है और आंटी बहुत अच्छा चटनी बनाती है। सो हमने तो इडली खा लिया था, सॉरी हमने डोसा खा लिया था। और देखो देखो मैजिक ऑफ यूनिवर्स, देखो आज मैंने इडली बनाया, इडली अच्छा नहीं बना, इडली थोड़ा सा सौगी सौगी बना। और मुझे इडली खाना था, मैंने इडली जब ख़राब बना मैंने उसको ख़राब नहीं बोला, मैंने उसको अच्छा बोला, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। एंड यूनिवर्स थ्रू आंटी गिफ्टेड मी इडली एंड दिस इज सच मैजिकल थिंग। मैं आपको बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स से बड़ा मतलब ये यूनिवर्स बोलो, डिवाइन बोलो, भगवान बोलो, जो बोलो, मतलब मैं उनको भगवान जी बोलती हूँ, कभी कभी यूनिवर्स बोलती हूँ, नाम अलग अलग है लेकिन वो एनर्जी एक ही है। तो सच ब्यूटिफुल थिंग। सो वो इडली आ गया, मुझे जो खाना था मुझे मिल गया। एंड यू नो यस्टरडे मेरा, मैं जब लिख रही थी मेरे जर्नल पर, मैंने उसमें लिखा था कि मुझे कोई खाना गिफ्ट करना चाहिए एंड आज देखो मुझे खाना मिल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर सच मैजिकल गिफ्ट्स इन माई लाइफ। थैंक यू भगवान, थैंक यू साईराम, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब
इडली आते हुए देख के, और मुझे तभी याद है अरे यार मैंने इडली बनाया था तब वो अच्छा नहीं बना था, क्या पता भगवान का लीला ना जो है बहुत अच्छा है, चमत्कारी है। सो आई विल कॉल दिस इडली एज मैजिकल इडली एंड गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। मेरी मम्मी मेरे लिए क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? चुप, चुप, बोलो ना। कोई वीडियो नहीं है। बताओ ना क्या बना रही हो? मम्मी डार्लिंग, मम्मी डार्लिंग, मम्मी डार्लिंग, तुम हमारे शब्द के बीच भालोबाशो ना, हाँ इतना बड़ा इंसल्ट। ये देखो ये मैंने बनाया, मेरा ना कढ़ाई का हैंडल टूट गया है बस, अदरवाइज सब सही। अभी टूटा वो भी, अभी मिस हैंडलिंग में, लेकिन वो मैं जोड़ सकती हूँ। बट कितना प्यारा लग रहा है ना, ये थोड़ा सा इवन नहीं बना है लेकिन कितना मज़ेदार लग रहा है ना इसका इवन। ये देखो ये लीड है, प्यारा प्यारू प्यारू। तो आज खाने में क्या क्या है देखिए, वाइट चावल है, स्टफ करेला पेठा मतलब सफ़ेद कुमड़ा मतलब ऐशगार्ड की सब्जी विथ कोकोनट, वो है दाल, मूली आलू का एक सब्जी, और ये है रेड स्पिनच। और ये मेरा प्लेट, चलो खा लेती हूँ। मैं आज बहुत लेट खा रही हूँ, मैं क्यों बहुत लेट खा रही हूँ, मैं ना सो गई थी, इडली और डोसा इतना खाई ना सुबह, मुझे नींद आ गया था और साथ में रात को बिल्कुल नींद हुआ था, आपको पता है ना मैंने बताया था, तो मैं खा के सो गई। एंड अभी मैं उठी हूँ, तो मैं झूठी हूँ, मैं 2:30 बजे उठी और अभी 3 बज रहा है, तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ एंड देन उसके बाद काम करना है। घर पे भाई का कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ बनाना है। मैडम देखो कहाँ से चोट लगा के आई है, ये पूरा कट गया है उनका कुला का, यहाँ पे भी एक जगह चोट है, पता नहीं क्या करी हूँ। वहाँ पे मैंने वहाँ पे पॉटी के लिए बंधा था, शायद इसके फीफी के साथ लड़ाई कर रही थी, अनलगा मुझे इतना बुरा लग रहा है ना अभी, और ना वो फिर मुझे दिखाई ऐसा, तो मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और हल्दी मिक्स करके दे रही हूँ ताकि चोट जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे हमारा चाय का चर्चा चल रहा है और यहाँ पे ये दोनों भी शामिल है, और कल का जो भिंडी का चिप्स था वो ये भी नहीं खा रहे। हेलो हेलो मिस्टर डीजे, एक्चुअली मम्मी बिस्किट खा रही है, तो देखो कोला थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए ना, मम्मी भी कोला को थोड़ा सा और देगी, मेरे को पता है मम्मी कोला से ज़्यादा प्यार करती है। वो भी अच्छा, ये मिला, मिल गया। मिताली ने आमा का भेजा है तो मैं भी खाऊंगी। गेट फ्रेंड हु सेंड यू आमा खा इन टिफिन बॉक्स। आज ना माघी पूर्णिमा है और मम्मी ने आज पूजा दिया था, वो देखो ताने और मैं, तो वो प्रसाद है और मैं वो प्रसाद खाऊंगी। अरे यार इस वीडियो में सब कुछ है, देखो प्रसाद है वहाँ पे, मेरा साई बाबा का बुक है ये और वहाँ पे ताने और मैं है, और यहाँ पे मेरा विजन बोर्ड है। तो क्या बोल रहे थे, आज पूर्णिमा था, है अभी भी पूर्णिमा चल रही है, फुल मून जो है, और फुल मून का जो भी सारा रिचुअल करना होता मैंने कर लिया, मतलब मैं कुछ कुछ करती हूँ तो सब मैंने कर लिया। एंड देन मैं अभी जाऊँगी सोने, उसके पहले अभी नहीं, अभी मुझे मेडिटेशन करना है, तो मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया तो मैं सोच रही थी कि प्रसाद खाते खाते वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए एंड प्रसाद खाते रहिए। बाय बाय, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।